रहमान रहीम, थैंक यू वेरी मच ताउला भाई, अब्दुल्ला भाई, और मैं सब लोगों को यही कहना चाहूँगा कि अल्लाह सबको तौफीक दे और हिदायत दे कि वो कुछ वक्त निकाल सके या अपनी हलाल की कमाई में से कुछ हिस्सा निकाल पाए तो इन बच्चों के लिए ज़रूर निकालें। और ये कभी मुझे तो अच्छा नहीं लगता, इन बच्चों के लिए यतीम का लफ्ज़ मुझे पसंद नहीं है, तो मैंने इनसे भी रिक्वेस्ट की है कि ये बच्चे जो हैं इन आप ये मत कहा करें कि इनका कोई नहीं है। तो कोई ना कोई अल्लाह ने वसीला बनाया होता है, तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है और मैं इनका मशकूर हूँ कि मुझे वो शर्फ हासिल हुआ कि मैं वो वसीला बन गया। और मैंने इनसे कहा है कि इन बच्चों का बाप है और इनका बाप मैं हूँ, और इन बच्चों को भी मैंने ये सिखा दिया है कि ये अब मुझे बाबा कह के बुलाए। तो वैसे तो हम पैसे भी भेज सकते हैं और हर तरीके से मदद कर सकते हैं, लेकिन इन बच्चों को ख़ास तौर पे अपनायत की ज़रूरत है कि कोई इनकी खातिर भी है, कोई इनके लिए भी कुछ कर सकता है और इनसे मिलने के लिए आता है या इनके साथ टाइम गुजारता है। तो एक दफ़ा फिर मैं बहुत मुतासर हुआ हूँ इस इदारे में आके। मैं आपको ये भी बता दूँ कि मैं सैलाब जदगान की मदद के लिए पिछली दफ़ा गया हुआ था बारथाना और मिंगोरा के इलाकों में, तो वापसी पे मोटरवे पे गुजरते हुए मुझे ये इमारत नज़र आई, तो मैंने अपने ड्राइवर से कहा कि मुझे इधर विज़िट कराए। तो इस तरीके से ये हादसाती तौर पर ये विज़िट हुआ और फिर मुझे इन्होंने इन सात बच्चों से मिलाया जिनके पेरेंट्स नहीं हैं, वालदैन नहीं हैं इस दुनिया में। तो फिर उसी वक्त मुझे ये अल्लाह की तरफ से ही ये सब अल्लाह के ही काम है, उसी वक्त मेरे दिल में आ गई कि नहीं, इन बच्चों का वालिद अभी ज़िंदा है और मैं ये फ़र्ज़ अदा करूँगा। तो अपनी तरफ से जो भी कोशिश हो सकती है मैं वो कर रहा हूँ। इन बच्चों को भी बेटा दिखाएं, एक शॉट लें इनका भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सात बेटे हैं मेरे, और मेरे घर में भी पहले से एक बेटा है, तो अब सात ये हो गए, तो आठ बेटे मेरे हो गए। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बेटे ने भी, उसका नाम अरमान है, तो उसने भी कहा कि मेरे सात भाई और हो गए हैं, तो उसको भी मैं लाऊंगा आपसे मिलवाने के लिए। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपके इदारे को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे और बरकत दे कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी ये हुई क्योंकि मेरा खुद ताल्लुक एजुकेशन से है, मेरे अपने स्कूल्स हैं और मैं टीचर ट्रेनर भी हूं, तो मैं आता जाता हूं इन इलाकों में। मुझे ये देख के बहुत खुशी हुई। सरजमीन का निजाम।
करो, नारा लगाओ, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।